बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट विदाउट अवन। मैदा लिया मैंने 2.25 कप, यानी कि 175 ग्राम। चीनी ली है मैंने 1/2 कप और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसन मैं यूज़ करूँगी 2 ड्रॉप्स। 1 अदद मैंने अंडा लिया है। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और मयरिंग मैंने इस कप से की है जिस कप में मैंने ऑयल लिया है। मैदा जो है वो मैंने 2.25 कप इसी कप में मैयर किया है, और चीनी भी 1/2 कप मैंने इसी कप में मैयर किया है। ऑयल भी मैंने इसी कप के अंदर मैयर किया है। तो आप भी जब बेक करने लगे बिस्किट तो एक ही कप से मैयरिंग करें। और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे जो है वो तैयार कर लिया है। इसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस किया है और इसके अंदर मैदा जो है वो डस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक बाउल लिया मैंने, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। अब शामिल करूंगी आइसिंग शुगर। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। ये अच्छे से बीट हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी अंडा। इसको बीट कर लेंगे। तो इसको मैंने 2 मिनट तक बीट कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। बीट कर लेंगे। तो ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं फ्लोर ऐड करूंगी। मैदे को पहले से मैंने छान के रखा हुआ है। इसमें मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको बैटर में डाल दूंगी। और अब इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो बिस्किट की यहाँ पर डो तैयार हो गई है। अब मैं इसको प्लास्टिक शीट से कवर करके रख दूंगी फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे 30 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। दो अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल्स के साथ। और इसको यहाँ पे हथेली में रख के हल्का सा प्रेस करेंगे। फोक से इसमें निशान लगा दूंगी मैं। और इसको बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इनको मोटा मोटा सा बेल लिया है। और अब इसको मैं बेकिंग के लिए रखूँगी। बेकिंग के लिए मैंने पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं ये वाला पतीला यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल पतीला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप जाली स्टैंड रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये रख दूँगी और 25 से 30 मिनट तक मैं इसको यहाँ पर बेक कर लूँगी। और यहाँ पर फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। 20 से 25 मिनट तक मैंने इनको बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नीचे से ब्राउन कलर आना शुरू हो गया और ये अच्छे से राइज हो गए हैं। इनको मैंने फासले पर रखा था ताकि ये अच्छे से राइज हो सके। और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, नीचे से भी अच्छे से राइज हो गए हैं। और अभी ये थोड़े से गीले गीले हैं, इनको पतीले के अंदर ही जो है ना इसको ड्राई होने देंगे।
तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी दोबारा ताकि ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इनको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और ये देख सकते हैं आप, इनका अच्छा सा कलर आ गया। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी, यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी। अब तो ये मैंने निकाले हैं, अब इनको ठंडा होने देंगे थोड़ा 5 मिनट तक। तो ये यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको एक तोड़ के चेक करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने खस्ता है। तो रेडी है हमारे बेकरी स्टाइल बिस्किट्स विदाउट अवन जो मैंने तैयार किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फूड मेकिंग डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।